हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए मेरे बैकयार्ड गार्डन में ग्रेप्स का वाइन है। ये देखिए मैं ऊपर इसको चरा रही हूँ। तो इसी ग्रेप वाइन से किस तरह से हम कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, इजीली प्लांट तैयार कर सकते हैं, उसी के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ग्रेप वाइन को किस तरह से हम इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से, इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। जो ग्रेप वाइन मैंने अभी आप लोगों को बैकयार्ड गार्डन में दिखाए, तो उसी दो ग्रेप वाइन से मैंने दो कटिंग लिया। ये देखिए, एक ये है, एक दूसरा ये है। और इसमें देखिए नोड एरिया है। देखिए इसमें से जब भी नया पत्ते जो भी है निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का पूरे दोनों के कटिंग में है और बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। हम सोचते हैं ग्रेप है हमारे यहाँ पे नहीं होते तो कटिंग के माध्यम से ग्रो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने पहली भी प्लांट जो है ग्रो किया था कटिंग के माध्यम से। मेरे जो बैकयार्ड गार्डन में प्लांट है उसी से कटिंग लेके मैंने लगाया, तो उस प्लांट को मैं मेरी मम्मी को दे दिया और वो प्लांट भी बहुत बड़े हो गए अभी। तो अभी मैं ये प्लांट को चरा रही थी तो मैंने सोचा एक दो कटिंग मैं भी लगा लूँ, ताकि मैं जो टेरेस गार्डन पे गमले में प्लांट लगाऊँ ग्रेप का। तो इसीलिए मैं ये कटिंग ग्रो कर रही हूँ और साथ ही साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से ग्रो किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल मिट्टी लिया और ये जो ग्रो बैग देख रहे हैं आप लोग, ये नर्सरी से मैंने कोई प्लांट लाए तो उस प्लांट को मैंने दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दिया, तो मिट्टी इसमें पड़ा हुआ था तो उसी मिट्टी में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। और ग्रेप वाइन को मैंने काटा जब ही, एक घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रखा। और ये जो चाकू से मदद से मैं ये थोड़ा सा छील लिया ताकि आसानी से रूट निकल आए। और कुछ नहीं, इसमें कोई खाद कुछ नहीं चाहिए होता है, बहुत ही इजी होता है। और 20-25 दिन के अंदर ये जो है प्लांट पूरा तैयार हो जाएगा। और मैं जब भी पूरा, अभी तो जून जुलाई में जैसे बारिश होगी, बारिश में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगेगा, तभी मैं जो है इस प्लांट को निकाल के प्लांटर में लगाऊँ। बस कुछ नहीं, ये सिंपल, जैसे ये देखिए आप लोग, जैसे कोई भी हम प्लांट कटिंग लगाते इस तरह का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही मिट्टी में पानी डाल के रखा, मिट्टी में नमी है, तो फिर भी अगर कोई भी प्लांट हम लगाए, कितना भी मिट्टी हो, मिट्टी में पानी हो, तो भी प्लांट को पानी देना चाहिए ताकि जड़ें जम जाए अच्छी तरह से। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मेरे यह मिट्टी जो है बहुत ही पहले से गीला है, तो इसको बहुत ही आसानी से मैं, ये देखिए लग गया। तो इसको मैं अभी किसी शेड में रख दूंगी ताकि इसमें धूप ना पड़े। और जब भी प्लांटर में पानी सूख जाए, ये ग्रो बैग में पानी सूखने लगे, थोड़ा सा मॉइस्चर बनी रहे, तभी इसमें पानी डालूंगी और कुछ नहीं। तो आप लोग भी अगर लगाए तो इस तरह से देखे, कभी पानी बिल्कुल ही सूखा ना रहे, इसकी मिट्टी सूखे रहने से इसमें कोई प्लांट नहीं होगा तैयार। तो ऐसे करके 20-25 दिन आप लोग रख दीजिए कटिंग को लगा के, तो प्लांट अच्छी तरह से हो जाएगा। और मैंने जो मेरे बैकयार्ड गार्डन में जो प्लांट आप लोगों को दिखाए, एक एक प्लांट मैंने जो ऑनलाइन ख़रीदा 500 रुपीज़ का, तो इससे अच्छा तो हम अगर किसी के घर में अगर कटिंग मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, तो थोड़ा सा कटिंग ला के लगाए तो इससे बहुत अच्छी तरह से प्लांट तैयार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो भी नोड एरिया है यहाँ से सारे ब्रांच निकलेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए, इस तरह से सारे नोड एरिया में जो है नए नए ब्रांच निकलेगा। ये देखिए, तो आप लोग भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरी ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।